ये जो भारत जोड़ो यात्रा है हमें इसमें एक किरण नजर आती है जो एक किरण है इंसाफ की। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें ना नौकरी चाहिए ना सड़कें चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी जो गवर्नमेंट यहाँ पर चल रही है हमें इसमें वी आर नॉट थिंकिंग दैट वी आर सेफ इन दिस गवर्नमेंट। यह हम यहाँ पर जो इन्होंने ला पेला पहले बोला कि नहीं गाछ चराई छोड़ो तो हम गाछ चराई को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जो पहले इन्होंने सरकार नहीं दिया छोटे छोटे गरीब थे उनको दिया कि यहाँ पर मकान बनाओ, वो जाए तो जाए कहाँ। दूसरा वो दूसरी कमेटी आई कि नहीं आप स्मार्ट मीटर्स लगाओ, आपको जो पावर है हम वो छीनने जा रहे हैं वापस। तीसरा है पानी पर मीटर लगा रही है, मकानों का टैक्स लगा रही है। एप्पल इंडस्ट्री थी यहाँ पर, उसको भी खत्म कर दिया, तो हम जाए तो करे तो करे क्या। आप बोल रहे हैं कि नोके हम बेरोजगारी अच्छे है, हमें पावर भी नहीं चाहिए, आप सड़कें भी उठाओ यहाँ से, हमें कुछ नहीं चलेगा, हमें इंसाफ चाहिए। अगर राहुल जी यहाँ पर आ गए तो इनको बौखलाहट क्यों आ गई, हम इनके साथ हैं, हमने ना पैसे लिए हैं, हम अपने किराए से यहाँ पर आए। लेकिन अगर राहुल जी बोल रहे हैं कि 370 पर हम बात करेंगे, 35 पर बात करेंगे, इनको मौका क्यों नहीं दे रहे, जब लीडर को नहीं दे रहे मौका, इनको हैरेसमेंट करते, तो हमारी बात क्या है। प्लीज ये जो हम बात कर रहे हैं, मैं बिहाफ ऑफ ऑल दिस पीपल व्हिच इज प्रेजेंट हियर कह रहा हूँ आपसे, हमारे साथ इंसाफ कीजिए। यहाँ के देखो यहाँ के बड़े बड़े अफसर्स है वो भी बाहर के हैं, हमारा कोई नहीं है। अगर यहाँ पर यहाँ का कोई है भी तो उसको हैरेसमेंट किया जा रहा है, वो करो ये करो, तो यहाँ के मुलाजिम जो है उनको 12 बराबर जब उनको नए नए कानून दिखाते हैं, तो हम हेल्पलेस है। ये जो मैं अभी कह रहा हूँ मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या करेंगे, लेकिन करने दो, लेकिन मैं तैयार हूँ उसके लिए, लेकिन कम से कम मैं बच्चों यहाँ पर जो लोग हैं कश्मीर के लोग जो है उनके बच्चों के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि ये जो फ्यूचर है हमारा उनको भुगतना है। लेकिन हम जब 47 में हमने इनके साथ इलाक किया था, हमने इस पर इलाक नहीं किया था आप हमें मीटर लगाओ, हमारे मकान तोड़ो, हमारे दुकान तोड़ो, हमारे अड्डे जो है 40 साल के उनको डिसमेंटल करके दूसरी जगह ले जाओ। आप देखो कितना जुल्म है ये जो कर रहे हैं, ये पंजाब से भी ज्यादा उनको एक लाइन उन्होंने आया हमारे पास, हमारे जो कंट्री ये जो है स्टेट है इसमें इन्होंने 100 लाख वैसे लाए, लेकिन हम चुप है। इसका मतलब नहीं है कि हम खुश है, वी आर नॉट हैप्पी, हम हैप्पी है नहीं है, हम मजबूर है, हम चुप इसलिए कि हमें हैरेसमेंट किया जा रहा है। हमारे जो बड़े मौलवी साहब है उनको बंद करते हैं, ये हम करें भी तो करें, कहें तो कहें, कहें किसे। प्लीज हमारी जो ये आवाज़ है बिहाफ ऑफ यूर चैनल, प्लीज उन तक पहुंचाइए, अपने ये जो ये तरीका ये चेंज करो। इससे पहले हम सब बच्चों और ये जो पेरेंट्स है या खानदान है हम सड़कों पर आएंगे, पंजाब की तरह यहाँ मत होने दो, उसके लिए आप खुद भी जिम्मेदार होगे, ठीक है।